हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप लोग के मेरे आज के ब्लॉग में। तो ये पार्ट टू ब्लॉग है दीपावली का। अब पार्ट वन भी इसी चैनल पे अपलोड हो गया है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं सोनिका कुमारी हूँ और मैं बिहार मुंगेर जिला से बिलोंग करती हूँ। तो अभी हम हॉस्टल में रहते हैं और अभी हम A&M का स्टूडेंट थे। दीपावली की छुट्टी के टाइम में हम घर आ गए थे। तो ये पार्ट वन आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा ब्लॉग, वो भी इसी चैनल पर हम अपलोड कर दिए थे क्योंकि BN से एडिट कर रहे थे, बट कुछ दिक्कत हो गया, बहुत दिक्कत हो गया था, आप लोग को बता नहीं सकते। फिर हमने वीडियो को दो पार्ट में किए और शाम के टाइम में हमने ये सब्जी वगैरह सब बना लिए थे क्योंकि जो भी था घर में उसी का बना। और शाम के और उसके बाद हमने भगवान जी का वहाँ पे पूजा करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मतलब पेपर सब चिपकाए वगैरह थे वहीं पे पहले फ़ोटो वोटो सब जो था वो उनका पूजा किया। उसके बाद घरकुंडों को पूजा करने के लिए हम लोग चले जाते हैं क्योंकि बाहर में वो क्या कहते हैं, घरकुंडों का पूजा तो बाहर में ही होता है क्योंकि घरकुंडों बाहर में बनता है। तो लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजा हम घरकुंडों में ही करेंगे, तो हमने चले जाते हैं। फिर मतलब बहुत सारे सामान वामान सब लिए थे, तो मैंने सब एक करके यहाँ पर पहले कर लिया सामान। ये नहीं कि हाँ पूजा करने बैठ जाए फिर दौड़ के ये सामान लाओ वो सामान लाओ, मैंने पहले एक एक करके सारा सामान यहाँ पे ला लिया, उसके बाद पूजा करने बैठ जाते हैं। Thank you.
और पता है ये चाची की बेटी है जो कि मेरी छोटी वाली चाची की बेटी है, वो भी आ जाती है क्योंकि इनका घर कुंडो बना ही नहीं था, इनका घर कुंडे कोई बना ही नहीं, तो ये आ गए थे मेरी मी पूजा करने के लिए। और ये अपना कुल्ला उल्ला जो भी है वो लेके आए थे, तो हमने यहाँ पे उनका भी रख दिए थे। और उसके बाद मैंने गणेश जी भगवान जी लोग अंदर में बैठाए घर कुंडो में, और उसके बाद कुल्ला पूजा करते हैं कुल्हिया का, उसमें लावा खिलौना भरते हैं, उनका पूजा करते हैं जो कि भाई को दिया जाता है। तो मैंने एक एक करके पहले अच्छे से सब सामान यहाँ पर ले आए थे और एक करके मैंने धीरे धीरे पूजा कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। और हम जल्दबाजी इस बार नहीं किए थे, नहीं तो अगले दफ़ा होता था ना कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी लोग करने लगते थे, जल्दी जल्दी करो, पता नहीं इन लोग को भूख लगने लगते क्या होता है पता नहीं, इन लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने लगते हैं। तो मैंने इस बार नहीं किए थे, हमने पहले थे नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो हमने एक एक करके सारा चीज़ लाया, उसके बाद पूजा की, उसके बाद पूजा वगैरह सबके लिए करने के बाद चलिए आप लोग को एक झलक हम अपना घर का पूरा वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है सजाने के बाद। तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं हम अपना घर का पूरा वीडियो। उसके बाद सब लोग पटाखा फोड़ने लगते हैं, बट पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, मतलब घर कुंडो पूजा उजा करने के बाद हम लोग पहले जाकर खाना खा लेते हैं, क्योंकि पटाखा तो फोड़ना ही है, रात भर बैठ के फोड़ते रहो, बट पहले खाना खा लेते हैं। उसके बाद हम लोग ने खाना खा लिया और उसके बाद सब लोग सो गए थे, तो हम लोग मतलब कि पटाखा फोड़ रहे थे, और ये भाई सब है जो कि पटाखा फोड़ रहे थे, बट हमको पटाखा से बहुत डर लगता है पता नहीं क्यों, इसीलिए हम पता है गेट पर बैठ के एक दिया जला और छुरछुरी पटाखा जो भी था हमने उसी को फोड़ने लगे बैठ के, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा दिए बोले ना पटाखा उनका आवाज़ सुनते हैं ना तो बहुत डर लगता है, तो हमने छुरछुरी पटाखा लिए और उसी को मतलब जला रहे थे बैठ के। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। और एक बात कहना चाहते हैं कि ये पार्ट टू है दीपावली का वीडियो, आप लोग पार्ट वन ज़रूर देखिएगा और देखिए वो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए।